नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल पौराणिक कथाएं एक भारतीय संस्कृति में। दोस्तों, सावन मास प्रारंभ हो चुका है और इस वर्ष सावन में 19 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिससे जीवन में सुख और शांति आने वाली है। तो आप लोग सावन मास में पूजा पाठ पे विशेष ध्यान दीजिएगा, जिससे भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और जब भोलेनाथ प्रसन्न होंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं को बहुत जल्द पूर्ण करेंगे। इसलिए आप लोग श्रावण मास में पूजा पाठ जरूर कीजिएगा। लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि अगर आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पे जाके क्लिक भी जरूर कीजिएगा, जिससे हमारी नई नई कथा की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगी। धन्यवाद। दोस्तों, श्रावण मास में 19 वर्षों के बाद इस वर्ष दुर्लभ संयोग बना है। इस वर्ष श्रावण में 8 सोमवार और 9 मंगला गौरी व्रत मिलने वाला है। श्रावण मास का प्रारंभ 4 जुलाई से हो चुका है और इसका समापन 31 अगस्त को होगा, जिसमें 18 जुलाई मंगलवार से 16 अगस्त बुधवार तक मलमास या पुरुषोत्तम मास होगा। श्रावण मास भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, जबकि इस साल सावन का पहला सोमवार व्रत 10 जुलाई को है। इस सोमवारी व्रत में भगवान शंकर के शिवलिंग पर अभिषेक का विशेष महत्व है। इस बार सावन मास 2 बार लगने के कारण कुल 8 सावन सोमवार व्रत होगा, जिसमें पहला सोमवार 10 जुलाई को है और अंतिम सोमवार व्रत 28 अगस्त को है। इस वर्ष शिव भक्तों को भगवान की आराधना के लिए 8 सावन सोमवार व्रत करने को मिलेंगे। इसमें शुद्ध सावन के 4 और अधिक मास के 4 सोमवार व्रत होंगे। सावन मास में इस बार 9 मंगला गौरी व्रत भी है। हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा करते हैं, जिससे सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। इसमें शुद्ध सावन के 4 और अधिक मास यानी मल मास के 5 मंगला गौरी व्रत हैं। इसलिए आप लोग इस बार सावन मास में सोमवारी व्रत के साथ साथ मंगला गौरी का व्रत भी जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी यहीं तक। अगर आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के जरूर भेजिएगा। मिलती हूँ अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।